हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम देखो कहाँ ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं रास्ते में, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं दीदी के यहाँ। और आज है बहुत स्पेशल डे, क्योंकि आज है रुद्रांश के भाई का यानी कि रॉबिन का बर्थडे है। सो हम लोग जा रहे हैं उनके घर, और वहाँ पे जो ऐसा भी होगा वो आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करेंगे। सो ब्लॉग में आप लोग जुड़े रहिए एंड तक। और ये रॉबिन का गिफ्ट रखा हुआ है, पीछे साइकिल लेके आए हैं। रॉबिन का क्या रिएक्शन रहता है साइकिल को देख के, सो है ना, ब्लॉग में बने रही। क्या हुआ? सो रुद्रांश बाहर के व्यू को एंजॉय कर रहा है। और आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी डगमगाई हुई है, मन कर रहा था नहीं आऊँ, बट सोचा कि चलो चलते हैं। थोड़ा सा घर पे रहूँगी ना तो भी अच्छा नहीं लगेगा, और बाहर थोड़ा सा जाऊँगी ना तो थोड़ा सा ठीक लगेगा, मतलब मन उसी चीज़ पे नहीं जाएगा, मतलब ये तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है तो मन थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा अगर बाहर जाऊँगी ना। तो इसलिए मैं भी आ गई हूँ। और बाकी गले में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है हल्का सा, ठंडी की वजह से फीवर जैसा भी हल्का सा, वो थोड़ा बहुत है तो कोई नहीं, चलता है, इतना तो सहन कर सकते हैं हम इतनी चीज़ को। तो और यहाँ पे पतिदेव ड्राइव कर रहे हैं, सो हम अभी पहुँचने वाले हैं। अभी हम पहले जाएंगे दीदी के इन लॉज के घर जाएंगे, तो वहाँ से मम्मी जी को लेके और फिर हम दीदी के घर जाएंगे। सो चलिए पहले वहाँ पे चलते हैं, दीदी की सासू माँ है ना, उनको लेने जाएंगे और फिर हम लोग निकलेंगे रॉबिन के पास। सो मैंने इसलिए ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया कि थोड़ा सा मैं शूट कर लूँगी तो थोड़ा सा मेमोरी बन जाएगी एक रॉबिन के बर्थडे वाले दिन की, क्योंकि उसका जब फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना तो हम उस टाइम पे थे नहीं, या दिल्ली में ही नहीं थे। और अभी सेकंड बर्थडे जब हो रहा है तो हम यहाँ हैं, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी बना लेते हैं, शेयर भी कर लेंगे एंड थोड़ी सी मेमोरी भी हो जाएगी रॉबिन की कि बर्थडे में कैसा कैसा क्या क्या था, है ना? हो बट इतनी तेज़ वाली ना धूप, जहाँ धूप है ना वहाँ पे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। ये तो देखो स्वेटर पहन के बैठी है, स्वेटर मतलब जैकेट पहनी हुई है, तो पसीना भी आ रहा है बट पहन के भी रखी है। मैं भी लेके आई बट मैंने ना गाड़ी में रख दी है पीछे, बट गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। मेरी भी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है, और स्वेटर पहन के आया, गर्मी इतनी तेज़ हो रही है, इनका सर में भी दर्द देने लग गया। मैं शर्ट भी उतार दूँ? शर्ट उतारनी है? फिर क्या पहनोगे? कहाँ पहनी? इनर पहनी है, ज्यादा गर्मी लगेगी तो हम वही निकाल देंगे, ठीक है? सो ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं आगे क्या क्या होता है वो सारी चीजें शेयर करेंगे। एंड सबसे जरूरी चीज हमें रॉबिन का रिएक्शन देखना है, साइकिल को देखे कि रॉबिन क्या रिएक्ट करते हैं, है ना? हाय, बोलो शोर। हाय शोर आ गया, शोर खड़े हैं। सो अब हम चलते हैं रॉबिन के घर, मम्मी एंड शोर को पिकअप कर लिया हम लोगों ने। हम घर की बेल बजा रहे हैं, जागीदार भी बोल रही है। हां तुमने करो वो? हां गेट बजाए, कोई था ही नहीं तो आपके नंबर से सेव है वो नंबर। साल भैया मुझे खड़ा होना पड़ता है। अच्छा, आप छोटे हो ना, शोर भैया बड़े हैं इसीलिए, और आप रॉबिन से बड़े हो। रियली भी छुट्टी नहीं मिली? मैं तुमसे बड़ा हूं। बॉडी बिल्डर बन रहे हैं दोनों। अरे अरे दिखाओ, मैं पकड़ती हूँ, दिखाओ। हाँ बस ये देखो, देखो कैसे निकल रहे हैं लिफ्ट में। चलो सो हम मम्मी जी को लेके घर पहुंच गए। हमने सोचा था कि हम रॉबिन को सरप्राइज़ देंगे, बट वहां जाके हमें ही सरप्राइज़ मिल गया, क्योंकि हमारे पहुंचने से पहले रॉबिन सो चुके थे। और यहां पे देखो बच्चे कितनी मस्ती करने लग गए हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं। और यहां पहुँचते साथ ही दीदी ने हमें हमारे काम पर लगा दिया, क्योंकि दीदी सुबह से बिजी थी, उनको मेडिकल का भी देखना पड़ता है और ऊपर से छोटा बच्चा भी है, घर भी देखना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो दीदी इस टाइम पर खाना बना रही थी और डेकोरेशन नहीं हुई थी, तो ये बोले लाओ मैं कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये डेकोरेशन कर रहे हैं, और ये देखो बैलून लगा दिए, कैसी लग रही है डेकोरेशन जरूर बताना। पतिदेव ने डेकोरेशन की है यहाँ पे सारी, और उसके बाद यहाँ पे सब लोग आ गए थे। और रॉबिन भी सो के उठ चुके हैं ये देखो, और सो के उठने के बाद वो किसी के पास नहीं जाते, मम्मा पापा एंड दादू के पास ही जाते हैं। सो यहाँ देखो मम्मी मम्मी को बोल रहे हैं मुझे लेमन खाना है। रॉबिन की सुंदर सी ड्रेस, ये किसकी ड्रेस है रॉबिन, ये किसकी ड्रेस है? अरे 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 कहाँ जा रहे, कहाँ?
पकड़ो 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 पकड़ो। मम्मा बुला रही रॉबिन को, वो अंदर केक केक खाएंगे। इस बर्थडे पार्टी का सबसे ज्यादा फनी मोमेंट है वो आगे आप लोगों को वीडियो में दिख जाएगा, और ये है रॉबिन के बर्थडे का बहुत सुंदर सा केक। रुद्रांश ने पता है क्या किया, वीडियो बनाने के लिए गया पास में और केक में ही फोन गिरा दिया। उसका रिएक्शन देखो, उसको कितना बुरा लग रहा है ना कि मैंने केक खराब कर दिया है। साइलेंटली केक कटना चाहिए। टेस्ट आ गया टेस्ट। ये देखो प्लेट में धर के बाद दे दो खा ले। अरे अच्छा लगा रॉबिन, मुंडी ला दो, मम्मा को खिला दो। उसको तो पहना देते, टोपा पहना ही। बस बोलो, बस इतना सही हिस्सा है। चलो ये लो, दे दो मेरे पापा को, दादू को दे दिया। ओए दादू को दे दिया, दादू को दे दिया। चलो मम्मी एक दिन पूरे केक दादू को, बिल्कुल नहीं फोड़ेंगे नहीं तो फिर। हां बर्थडे कैसे मनेगा बच्चों का। चलो ये लो वाला, ये वाला ओए बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, और जो डेकोरेशन की हुई थी ना, ये देखो सारी बलून बलून जो थे ना वो सब फोड़ फाड़ दिए हैं, और सब लोग चले गए हैं, हम ही बचे हैं। दीदी भी चली गई हैं मेडिकल पे, क्योंकि शाम का टाइम है ना तो थोड़े कस्टमर वगैरह आते तो फिर जी जो अकेले हैंडल नहीं कर पाते, तो दीदी भी चली गई, अभी हम ही लोग हैं। और ये देखो हमारा सतान लड़का, ओ ओ ओ ओ ये लगा हुआ है अपने में खेलने, जो अभी गिफ्ट मिले हुए हैं ना उसको, उनके साथ खेलने में लगा हुआ है। ये देखो 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 कैसे लेके जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं हम। बाय 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 देखो वन फोटो वन फोटो ले ले, नहीं चल छोड़ दे अब आपको, ये इसकी बॉल कहां गई, घूम गई इसकी बॉल, घूम गई। चलो बॉल कहां, नीचे कहां देखी, वो डली मिल गई मिल गई। प्यार कर दो मामू को, मामू को प्यार कर दो। रॉबिन की है साइकिल क्या, ओ हाँ ये रॉबिन का सामान है, रख लो इसी में। वेरी गुड,
चलो चले, आप बैठ जाओ, आप पीछे बैठ जाओ, आप पीछे बैठ जाओ। तो चलो 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 चलो, बाय। और अभी घर मतलब पहले दीदी से मिलते हुए जाएंगे, क्योंकि दीदी हमारे घर पे चलेंगे, तो वहीं दीदी से थोड़ा सा मिलेंगे 2-5 मिनट, फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए।